ओए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो चुकी हूँ तैयार। जस्ट लुक एट फातिमाज मेकअप। तेरी सेली नंबर ला गई तू लोंदी ला। इधर ही भंगड़ा डाल के चले जाते हैं। अजीब अजीब लड़के लुक्स दे के जा रहे हैं। हम गलत लोकेशन पे पहुंचे हैं। बराती आ रहे हैं पता नहीं कौन से। मानो दूल्हा दुल्हन के साथ सच के क्यों बैठी। Welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day। और हमारा दिन शुरू हो चुका है और आज हमने क्या करना है भाई, हमको जाना है किसी शादी में और हमको नहीं मालूम कि हम लोगों ने कैसे जाना है, ना हमारे पास कोई कपड़े डिसाइड है। आपको पता लड़कियों वाला घर है, कपड़े डिसाइड जब तक ना करे तब तक चीखे मारती हुई एक लड़की आ गई है। ओए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लड़की सुबह सुबह मेरे पास आई है, ऐसे ही सो जाती है ये लड़की, ऐसे ही मतलब क्या फट जाते हैं कपड़े, खुली खुली टी शर्ट में बड़ी अच्छी दिख जाती है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया नहीं किया अभी करो ना यार, कितना टाइम लगाते हो आप लोग। मैं लाइव आ रहा, मैं बड़ी बेचैन हो रही हूँ, मैंने आप लोगों को जवाब दे रहा था। मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही, पहली दफा किसी ब्लॉगर को देखा है। 500 रुपए कार्ड हो रखती है, मैं तुम्हें ना काट दूँ यहाँ से। तो अभी क्या काम है तुम्हें, सुबह सुबह तुम मेरे कमरे की खिड़की में किसको ताड़ने आती है। देख रही हूँ 7 बजे डांस शुरू होना, अभी इस वक्त बज रहे हैं 2:30। नाश्ता भी नहीं हमने किया, महाचालियाँ क्या घर से। तो जी घर से ही कपड़े निकालेंगे, तो घर से क्या तुम्हारे पास बुरे कपड़े पड़े, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पड़े हैं। मैं अभी देखना शॉपर निकलवाऊंगी, खुलवाऊंगी, देखूंगी, चेक करूंगी कौन कौन जा रहा है, देखते हैं। लेट्स सी, मैं और फातिमा तो फिलहाल जा रहे हैं, तुम जाके फ्रेश हो, मैं भी फ्रेश होती हूँ। चलते हैं नीचे अपनी अम्मा को जाके पूछते हैं कि खाना छाने में क्या। तो मैं नीचे आई हूँ अभी, तो ये लड़की मुझे मिली है जो कि पता नहीं कहाँ से आई है। बाल अभी क्या बना के सोई थी ऐसे, तुम स्कूल से आई? अच्छा तो तुम स्कूल भी जाती हो। हाँ जी। यहाँ जरा चेक करवाओ, इसने अपने हाथों पे गाइस गंद मारा होता है, हमेशा गंद मारती है, हमेशा गंदी रहती है। ये जिस गाने की मुझे आवाज आ रही है ना, मैं यकीन करें मैं 110% श्योर हूँ कि ये गाना किसी और का नहीं, फातिमा का होगा। वो लुक, Oh my God! फातिमा जो है वो नाश्ता मेरा भी बना दो यार। आज मम्मी इज नॉट इन द किचन बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल, अभी जाती हूँ मैं उनके पास। लेकिन ये बंदी आज नाश्ता बना रही, मेरा भी बना रही हो ना फातिमा। मैं ज़ैनब के दो ब्रेड हॉट कर रही हूँ। हॉट कर रही हूँ, मेरे भी हॉट कर दो यार, दो ब्लड। अपना काम खुद करें। एक दिन किसी बहन को बोल दिया तो बहन को चाहिए ना कि यार इसको कच्चा पी के दिखाओ मुझे। पागल, मैं जिम वाली लड़की थोड़ी दिखाओ। वैसे अगर किसी ने ये अंडा पी लिया ना, मैं उसको वैसे मैं रखूंगी। एक दिन मैंने टेस्ट किया था, मुझे इतनी ज्यादा वॉमिटिंग आने लग गई थी। अगर तुम मुझे ये डेयर दो ना अंडे वाला, और फिर मुझे अच्छा इनाम दो, तो मैं ये जरूर पूरा करूंगी। हाँ, अगर आप मुझे 2 करोड़ दे दो मैक्सिमम। ओह माय गॉड, शक्ल भी 2 करोड़ जैसी होनी चाहिए, शक्ल आपकी पतीसे वाली हो, और चाहिए आपको 2 करोड़ हो तो फिर 2 करोड़ दो पहले। ओएला, आज मैं आपको ना फातिमा के अंडे की रेसिपी, इसने देसी घी डाला, ऊपर अंडा डाला, और इस तरह इसने ना कटोरी के अंदर रखा है उसको, सही है। अब ये बना रही है, इसका अंडे का नाम क्या है? इसे कहते हैं कटोरी वाला अंडा। हैं? बाउल वाला अंडा। आज देखिए, अगर आपकी अम्मा किचन में ना हो तो तीन तीन जो है किचन में घुसी हुई होती है। मैंने ज़ैनब को खैर अंडा बना के दिया, और इस बदतमीज ने क्या किया, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं, ये मैंने इसको बना के दिया। और अब ये वाला अंडा जब तैयार होगा फिर आपको दिखाती हूँ नाश्ता करके। आजकल के गाइस मैं आपको बर्गर बच्चे दिखाती हूँ, ये बर्गर बच्चे। जब आपकी अम्मी आपको नाश्ता दे तो आपको पराठा, साग, सालन, चाय, साय सब कुछ मिलता है। जब आप खुद अपने लिए नाश्ता बना, ये निकाल के तो मुझे खाना पड़ेगा। यस आई वॉन्ट इट। और फातिमा, जिंदगी में पहली बार तुमने अंडा बनाया और उसमें इतना नमक एक्स्ट्रा डालिए। या अल्लाह, इस लड़की ने इतना नमक डाला, इतना नमक कि किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ना, तो वो पिंक सॉल्ट है, तो पिंक सॉल्ट तुमने समझा, पिंक सॉल्ट तुम्हारा फेवरेट कलर है, तो तुम जान का पूरा पिंक डाल दो। बहुत सॉल्ट ही खाना है, मानो अपना ही दे दो यार। ज़ैनब बेचारी के नाश्ते पे कब्जा होने लगा है। तुम दोनों ये करो, मैं अपने लिए नया अंडा बनाने जा रही हूँ। अंडा खासा ही, वाह लूनी टू ना। कह रही है कि अब इसमें एक अंडा और मिक्स कर दो, कुछ नमक मिर्च ना डालना। उसको लगता है जैसे मैं बड़ी एक्सपर्ट प्रो मैक्स
शेफ हूँ। नाश्ता कर लिया, बस अब कपड़े निकालो मेहंदी के हिसाब से। ये ड्रेस तो मैंने एक दफा पहना था। चलें जी, हम अपने कपड़े निकालने लगे हैं। कुछ इस तरह की गैलरी में पड़े हुए हैं। हाँ मम्मा ने इतने सारे कपड़े यहाँ रखे हुए, इतने सारे शॉपर है। नहीं यहाँ नहीं है मम्मा, इधर। हाँ जी मुझे याद है, यस यहाँ पे है किसी में। ये वाला देखें। शादी पे जाना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन शादी के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। मिला ओ अल्लाह, सब सामान बस निकालते जा रहे हो। हाय अल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा है ये खाल निकल गया किसी की। अब ये वाला एक ब्लू शॉपर है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। लेट्स सी। मिल गया। ये ड्रेस पहनना है भाई मैंने मेहंदी पे। किस खुशी में? जब आपको घर से ड्रेस मिल जाए। मैं होने लगी हूँ तैयार। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट फातिमाज मेकअप। तुम्हारा ये कभी ना जिंदगी में मैं ट्यूटोरियल दूंगी। इसने कितनी 600 प्रोडक्ट्स लगाई और अभी इस बंदी ने फेस पे हाइलाइटर नहीं लगाया और ऊपर नीचे आगे पीछे से चमक रही है। पानी का कमाल है? नहीं, प्रोडक्ट का ही कमाल। यही लिपस्टिक मुझे अच्छी लग रही है, हल्की सी। लिपस्टिक नहीं है तो टेंट है। लेकिन मैं हो चुकी हूँ तैयार। बताओ कमेंट बॉक्स में मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करने की कोशिश की। अब आप लोगों ने कहना है वही वही है। मेरा बताएं मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? प्यारा। ये मैंने साथ में इयररिंग्स पहने हैं जो कि मैच हो रहे हैं, और मैं पहनूंगी चूड़ियां इसके साथ इतनी सारी क्योंकि मेहंदी है। I find out this and this, इन दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ड्रेस में मेरे ये कलर भी है और ये कलर भी है। तो जी मैंने ये वाली फाइनली चूड़ियां पहन ली है इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ खुल जा रही है। देखें, सो दिस इज माय लुक। फातिमा को मैंने दिखाया, फातिमा को तो अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लग रही है? अब हम जा रहे हैं जी नंगे पांव नीचे, क्योंकि मुझे हील्स नहीं पहननी इसके नीचे और मैं सिर्फ खुस्सा पहनूंगी। ओए होए होए, ये हिरवन भी तैयार हो गई है गाइज। लेकिन आपको मैं अगर इसका ट्राउजर दिखाऊं तो आप कहेंगे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटी, वाओ। कपड़े चेंज करो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। 7 बजे हम लोगों ने पहुंचना है, अभी 7 बज गए। हम हीरा ड्राइवर को कन्विंस करेंगे। तो जी ये लड़की जो सो रही थी अब फ्रिज पे टूट पड़ी है, अब इसको भूख लगी है, पता नहीं ये क्या क्या खाएगी। फुल नींद में होती है। नहीं जाना यार, मैं सो ही रह गई। हां तेरी सहेली नंबर ला गई तू, लोन दी ला। बड़ी प्यारी लग रही है आपको, है ना? आई नो दैट। चलो रबे मैडम को भूख लगी हुई है, पता नहीं क्या निकाल निकाल के घर में। बाद में कहेगी कि ये बंदी अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। कोई बात नहीं, देखो एक दिन सबने मर जाना, दो मर्जी खाओ। बड़ा कोई लॉजिक दिया तुमने, समेटा हुआ लॉजिक। आप बताओ ना कितनी तैयार थी यार। मैं शादी पे गोइंग हो रही हूँ और मैं अभी भी नीचे उठी हूँ, मुझे यहाँ पे एक पिंपल आ रहा है। अच्छा अब खुद बता दो, मैं हमेशा कहती हूँ अपी मेरी पिंपल है, मीचा बीबी करती है, और खुद जब बता रही होती है। अच्छा ओह माय गॉड, सो आ गई है जी गॉर्जियस ब्यूटीफुल लेडी। अब इसकी फुल लुक देख लें जी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फातिमा ने चूड़ियां नहीं पहनी, सिंपल हूँ अभी। ये सिंपल है ये लड़की, पीला जोड़ा पहन के, कानों में प्यारे वाले इयररिंग्स पहन के, अभी ये लड़की सिंपल है। ये मानो हमें सबसे ज्यादा लेट करती है। मैं मानो जल्दी आ जाओ सोने, कितना टाइम वेट कराओगी। चलो दरवाजा खोलो महारानी के लिए, इतना भी जोर नहीं है तुम्हें। ओह माय गॉड, मानो इज लुकिंग नाइस प्रिटी अपने से वजनी लहंगा पहनते हुए। चले जी हम निकलने लगे हैं। अब मैं आपको अपडेट देती चलूं कि हम गलत लोकेशन पे पहुंचे हैं, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ देख के डर गई थी, हमारे तो मेहंदी पे, यहाँ पे तो बैंड बाजा बारात आई है, वो देखे पूरे स्वैग के साथ। तो हम तो इस बारातियों का हिस्सा तो नहीं थे ना, शायद पे काम कर सकते थे। हम किसी भी बेगानी शादी पे तैयार होकर घुस जाते और देखते कि लोगों का क्या रिएक्शन है। तुम कहते हैं हम लड़की की तरफ से हैं। अपने ड्राइवर प्रोमैक्स को भी परेशान कर रखा है, लेकिन मजे की बात यह है कि ड्राइवर को अगर इस फुलिये में मिलना पड़ गया किसी से तो ड्राइवर क्या करेगा? बाहर निकालना जरा, मैं आके सीधी हूं। अच्छी आ रही हो, प्यारी आ रही हो, चुटिया करके देखो तो सही। गाइस ने अजीब अजीब लड़के लुक्स देके जा रहे हैं। तुम्हें देखे जा लिया तो इसको अपनी पड़ी किधर? इधर एक अलग ही शादी हो रही है, यहाँ पे उनकी एंट्री शेंट्री हो रही है, यहाँ पे हम फंस चुके हैं गाइस। ये बारात निकलेगी तो फिर हम निकलेंगे, इधर ही भंगड़ा डाल के चले जाते हैं। गाड़ी उधर ही पार्क कर दो, मैं बस वॉक करते करते आ रही हूँ। फाइनली लोकेशन मिल चुकी है, आ रही है सामने। हाँ हाँ वो कह तो रही हूँ हीरा, वो सामने है। तुम कह रही हो नहीं, लोग उतरो और जाओ जल्दी। टूर पर ही बच जाए, नाल पीछे आ रही है यार, पीछे हमारे बराती आ रहे हैं, पता नहीं कौन से। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं यहाँ पे गाइस, और इनका फोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। Oh
के टेबल के करीब हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि खाना लाने में आसानी होगी और इस लड़के को खाने की भी फोटो बनानी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बैठ जा फातिमा। तुम्हें बड़ी जगह मिली थी दुल्हन के साथ, चलो अब हमारी वीडियो बननी है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि आप VIP लाउंजेस में जाए तो वहाँ पे खाना लग जाएगा। ये हमारी बड़ी सेवा कर रही थी। तो आप लोगों ने अच्छा खाना पीना है, मुझे अपने व्लॉग में लगाना है। अगर मुझे ना लगाया और ये पार्ट कट किया तो इसी देखो ताड़ में काट। ओके कुछ ना करो यार। शी इज माय फ्रेंड और इसके भाई की शादी अब तेरी खबर जल्दी है यार। अब तो मेरी शादी पे आना था यार। हां हां क्या अब अभी मेरी बारी है यार। और अगर इतनी प्यारी ब्राइड हो तो पता क्यों ना आए यार। ओए अल्लाह अब तुम जरूर आना मेरी। अब तो एक क्रीम की शादी पे आना पड़ता है यार। पूरा व्लॉग ही कट हो रहा है ना। कहां आके मैं एक एक वीडियो आप पोस्ट करनी है फिर। बहुत मजे का सेटअप था, बहुत अच्छा था, बहुत लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन की अम्मा तो स्पेशली बहुत इंजॉय किया उन्होंने। आपी को देखो भूखों की तरह खाना खींचने लगी हुई है। सो फाइनली हमारी खाने की प्लेट तैयार हो गई है। भटूराज हैं, गरम गरम चने हैं, दही है, सैलेड है और अचार है। ठीक है मानो तो ऐसी जुड़ी हुई खाने के साथ जैसे सारा खाना मानो ने ही खाना है। चलो जी ये मानो मैडम लेके आई है गुल्फा। मेरा पेट फुल हो गया बिल्कुल, अब मैं सिर्फ गुल्फा टपूंगी। हॉल में जो है वो लाइट्स बंद हो चुकी हैं, लेकिन ना जब शादी होती है ना तो कोई हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। इनका फोटो सेशन आते वक्त भी स्टार्ट था, जाते वक्त भी स्टार्ट था। फातिमा बस कर दो, ये क्या उतार के बैठी हुई है। तोबा तोबा, उस लड़की का जो है ना वो यहाँ टसल लगा हुआ था वो निकल गया, वो हाथ में उसको क्लच बन के खड़ी हुई है। फातिमा हीरा भाई वेट कर रही है, आगे इतनी मुश्किल से कन्विंस किया। चलो अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। तू मेरा लहंगा दे जूते के नीचे। ये लहंगा जो है ना वो मेरे जूते दर्द कर रहे हैं। ओ चलो जूतों को उतार दो, दर्द हो रहे हैं तो उतार दो जूते। ये अब डोरी लटकाई फिरोगी तुम। टूट गई है ना यहाँ से। बोला मैं इस तरह खड़ी हूँ, मैंने कहा ये तो वो डोरी है जो मेरे कपड़ों पे लगी है। हाँ बट देना ऐसा होगा ये वही डोरी। हाँ पता लगता है कच्चे सूट पक्के बना सकते हैं। हाँ इयररिंग्स भी, दो इयररिंग्स इसके साथ हुक्स लगाना। यही पहनूंगी ज़ैनब, वो देखें जाके खड़ी होगी उधर इतनी नुक्कड़ में। और हमें लेने के लिए पूरी बारात आई है। हीरा को हमने बुलाया इतनी दूर से आगे, लेकिन वो कह रही है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी हुई है। तुम्हें पता है वो यहाँ से घर जा रही होगी ना, तो वो यहाँ से मैं पिक कर सकती है। यार अब तुम उसको फिर, अब वो कह रही है तुम अपने इस ये हील वाला जूता फेंक दो तुम आज। ठीक है मैं कितनी अच्छी रह गई गाइस, मैंने ये देखे जूते नीचे, मैंने अपना नाइट सूट का वो भी नहीं निकाला ट्राउजर। हीरा रुक जाओ, हीरा रुक जाओ, हीरा रुक जाओ, हीरा हमें बैठना है। हीरा वर्ण बबलू मिला, क्या मिला बबलू गाड़ी से। तुम खैरियत से आई हो? मैं लेने आई हूँ तुम लोग आए तो एक तो इज्जत दे के लेने आई हूँ, पर से खैरियत से आई हूँ। राबिया में बहुत इज्जत देती है गाइस, आपको पता है राबिया की, राबिया इज्जत ना दे तो हमारी इज्जत ही नहीं होती है। तो हम निकलने लगे हैं घर को, घर जाकर आपको बताते हैं। गाड़ी चली थी और गाना चल रहा था, अलग ही था, इतना सुकून मिल रहा था ना, मतलब जैसे तो तुम फिर घर मत मत जाओ ना, गाड़ी में बैठो। जैसे ना ये कोई वाइब वो था बड़ा। हां सब ने कमेंट करना राबिया, वी आर राबिया भाई, राबिया भाई। ओए तुम ये शवारमे कहाँ से लाई हो? यही मैंने मंगवाए हैं स्पेशल। अच्छा एक पड़ाव तुम लोगों को लेना तो ले लो। ठीक है मैं खा लेगी शवारमा अभी, हालांकि मैं पटूरे खा गई हूँ लेकिन पेट नहीं भरा देगा, ये खाऊंगी। इस लड़की को देखो बस ये है। और फातिमा ये मेरे लिए छोड़ देना ठीक है ना प्लीज। उफ, एक तो कोई इवेंट होता है तो इंसान बहुत ज्यादा थक भी जाता है। और अब मुझे सबसे ज्यादा जाप का काम पता है क्या लग रहा है? मेकअप उतारना नहीं, ये चूड़ियां निकालना। ये चूड़ियां निकालना मुझे इतना मुश्किल काम लग रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकती। और रात का इस वक्त 1 बजने वाला, हालांकि हम वापस जल्दी आ गए थे, बस नीचे गप्पे शप्पे लगाते रहे। अब मैं लगी हूँ चेंज करने। सो मैंने हुक कर लिया था चेंज, अब मुझे आ रही है बहुत शदीद वाली नींद। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।